देहरादून जिलाधिकारी को एमडीडीए का तो देखिए देहरादून से यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 22 आईएएस और पीसीएस अफसरों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है। वंशीधर तिवारी को डीजी सूचना बनाया गया है। तो देखिए बड़े तबादले जो है वो हुए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज देहरादून से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से आईएएस पीसीएस अफसरों के ये कहा जाए कि बड़ा फेरबदल किया गया है? देखिए, एक बड़ा फेरबदल शासन ने किया है और खुद मुख्यमंत्री ने लगभग तय किया था कि काफी ट्रांसफर होंगे, और ये इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों लगभग 16 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस बनाने का मौका दिया गया था और उसी के लिए लिस्ट रुकी हुई थी। उसमें एक सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो बंशीधर तिवारी है। बंशीधर तिवारी को सूचना महानिदेशक बनाया गया है। अब से कुछ दिनों पहले तक ही वो पीसीएस थे और जैसे ही वो आईएएस बने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मेहरबान सिंह बिष्ट को भी खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो आनंद वर्धन है, जो अपर मुख्य सचिव है, उनसे अपर मुख्य सचिव राजस्व की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 13 आईएएस इधर से उधर किए गए हैं और अगर कहा जाए तो लगभग 10 पीसीएस के विभागों में फेरबदल किया गया है। कुल मिलाकर एक बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बिल्कुल पंकज, और कहीं ना कहीं देखिए कहा जाए कि और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो सरकार है वो काम करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से अफसरों के कार्यभार में भी कहीं ना कहीं फेरबदल किया गया है। पंकज, बिल्कुल, और जिसमें आप देख सकते हैं देहरादून की जो डीएम है सोनी का, उन्हें एक देहरादून के डीएम के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और दी गई है। उन्हें एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ब्रजेश कुमार संत को खाद्य आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन कुर्वे जो आईएएस हैं, सचिव हैं, उनको सचिव राजस्व की जिम्मेदारी मिली है। और सबीन बंसल जो बाहर थे लगभग अमेरिका में लीव पर थे, वो वापस आए हैं तो उनको अपर सचिव आपदा की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर कई बड़े नाम इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर काफी संतुलित बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन कुल मिलाकर जो पीसीएस से आईएएस बने हैं उनमें ज्यादातर को इस लिस्ट में एडजस्ट कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से।